हरे हरे शंभू 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 महादेवा शंभू शंभू। तो गाइस ये है तुंगनाथ महादेव जी का मंदिर। तो गाइस यहाँ से हम तुंगनाथ की चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। ये एंट्री पॉइंट है और प्रसाद और डंडा हमने ले लिया है। अब यहाँ से हमें ऊपर ट्रैक करते हुए जाना है। हल्के हल्के चलेंगे क्योंकि बारिश भी हो रही है और ट्रैक हमेशा हल्के हल्के करना चाहिए ताकि सांस ना फूले। थोड़ा खाड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। तो अभी हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया है। यहाँ नीचे से ना घोड़े मिलते हैं, है ना। और भाई बहुत चढ़ाई खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। और हमने कपूर भी ले लिया क्योंकि एक भाई हैं, उन्होंने ले लिया। उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि कपूर ले लेना, ऊपर ज़रूरत पड़ सकती है। और बारिश की वजह से थोड़ा चिकना चिकना भी हो गया यहाँ पे, फिसलने वाला। सांस लेने में दिक्कत होगी। आराम आराम से जाएंगे, रुक रुक के जाएंगे आराम आराम। और यहाँ से देखो पूरा कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि पूरा धुंध हो रखा है। और चौपटा से करीब 1 किलोमीटर पहले ना जी, हाँ, जहाँ पर मतलब स्टार्ट होता है वहाँ से 1 किलोमीटर पहले ही रोड पे बिल्कुल धुंध हो गई थी। कैमरा निकाल लिया था क्योंकि बारिश हो रही थी तो कैमरा बैग में रख लिया था। गुजरा हूँ इधर से मुझे। यहाँ से देखो भाई, कैमरे पे आ गया पानी। यहाँ से देखो कुछ नहीं दिख रहा है, धुंध में पूरा ही धुंध हो रखा है। और अभी तो हम कितना 150 किलोमीटर आए होंगे, 100-150, है ना। तो अगर हमने ये ट्रैक बिना रुके कर दिया तो फिर तो हमें खुद को सलामी देनी पड़ेगी, है ना। यहाँ से देखो भाई, अब कुछ नहीं दिख रहा नीचे वैली में। तो अगर ये धुंध नहीं होती तो हमें यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ सकता था, है ना। और आपको एक अच्छा व्यू दिखा सकते थे, बट सॉरी बहुत ज़्यादा ही धुंध हो रखी है, बादल आगे के लिए खेत है और अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की ना। हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं इसके लिए हमें खेद है। बारिश लगातार हो रही है क्योंकि बादल में छेद है। तो फिर आप समझ सकते हैं हम आगे का कहने का मतलब हमारा क्या है। और हमने 2-3 लोगों से पूछा था, वो कहते ऊपर ज़्यादा हो रही है। बारिश की बात कर रहा है, बारिश की से आप व्यू देखो, वो सामने वहाँ से आ रहा है। हम लोग यहाँ से आ रहा है, वो नीचे लोग दिख रहे होंगे आपको वहाँ पे। अबे एक साथ कितने ऊपर आए हम लोग, बहुत खड़ी चढ़ाई है भाई। यहाँ से देख, वहाँ से नीचे से मतलब पता है, चौपटा है जो वो 8000 फीट पे है और मंदिर 12000 फीट पे है ना। हाँ, एक साथ 4000 फीट चढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ से आप लोग व्यू चेकआउट करो। अगर भाई ये फॉग नहीं होता ना बिनेद, तो भाई क्या व्यू आता भाई, यहाँ से ना खतरनाक व्यू आता। तो यहाँ से अभी फिर चढ़ते हैं, हमें ऊपर जाना है वहाँ पे। भाई बुरा हाल हो गया, अब तो थक गए, है ना। बट हम मंदिर तक जाएंगे, हल्के हल्के रुक रुक के आराम से जाएंगे, बैठ के। और वहाँ पे देखो ऊपर सामने पूरा धुंध हो रखा है और इधर भी नीचे पूरा बादल आ रखा है भाई। तो अभी हमें वहाँ पे जाना, आपको वहाँ दिख रहा होगा इंसान पैदल जा रहा है। हर हर महादेव अंकल जी, हर हर महादेव बोलिए। हर हर महादेव। आप कहाँ से आए? तो गाइस ये है तुंगनाथ महादेव जी का मंदिर और अभी हम लोग नीचे जाएंगे। भाई बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। तो एक फ़ोटो खिंचाएंगे यहाँ पे, फिर नीचे जाएंगे। अभी देखो आप मंदिर, अभी बस हम लोग दर्शन करके आए, जूते पहने, मुश्किल से 5 मिनट में सारा ही फॉग हट गया है और मंदिर एकदम क्लियर दिख रहा है। और इधर भी देखो भाई, पूरा क्लियर दिख रहा है। इससे पहले भी मैंने क्लिप रिकॉर्ड की थी, अभी वो दिखाऊंगा। मतलब जितने भी आपको पहाड़ दिखेंगे पीछे, सब बादल ही बादल हैं, सब पहाड़ बादल में ढके हुए हैं। और यहाँ से शायद चंद्रशिला पीक भी नहीं दिखेगी और ठंड लग रही है यहाँ पर बहुत। अभी हम नीचे जाएंगे। तो अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे। गोप्रो मैंने ऑन किया बट गोप्रो भी ऑन ही नहीं हुआ, लो बैटरी दिखा रहा है, जबकि बैटरी 58% चार्ज है उसकी। और यहाँ से एक बार व्यू देखो आप लोग। नीचे तो बहुत स्पीड से उतर रहे हैं, आधे घंटे में लग रहा है नीचे है। पर पैरों को बहुत रोक रोक के रखना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही स्लोप है। और यहाँ पे आए तो जूते भाई ध्यान से एकदम ग्रिप वाले पहन के आए है विनीत भाई। ऐसा समझ लो चिमक वाली ग्रिप पहन के आओ जैसे चिमक चिपक जाती है वैसी। चढ़ने में तो इतनी प्रॉब्लम आपको ग्रिप मतलब नहीं करेगी, उतरने में पैर जमा जमा के रखना पड़ेगा। आ गए आंटी, बिल्कुल पास में ही हो आप, मुश्किल से 200 मीटर। और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। पूरा वीडियो ले लो ना। बहुत गहरी खाई है भाई, कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि बादल इतना ज़्यादा है। यहाँ से आप एक बार व्यू चेकआउट करो, नीचे वैली का कितना ही बढ़िया व्यू आ रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये लोग रहते हैं, इन्हीं के गाय और भेड़ बकरी हैं। और नीचे उतरने में तो हमें हार्डली 30 से 35 मिनट लगे हैं। तो फाइनली हम लोगों ने ट्रैक कंप्लीट कर लिया है और काफ़ी मज़ा आया ट्रैक करने में। तो गाइस फाइनली हम लोग रुद्रप्रयाग पहुंच चुके हैं और हमने यहाँ पे होटल ले लिया है। अनमोल अनमोल रिसोर्ट, अनमोल रिसोर्ट नेम से होटल है, तो हमने ये ले लिया। और पुनीत भाई फॉर रिलैक्स मोड में। और डिनर वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 9 o'clock। ऊपर से मतलब चौपटा से कुंड तक आने में हमें 1 घंटा लगा करीब, और फिर कुंड से यहाँ रुद्रप्रयाग तक आने में भी करीब 1.5 घंटा, 1.5 या 1.25 घंटे लगे हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और यहाँ पर अभी हम सो जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए बाइक पे बैठे और ट्रैक करके भी। और एकदम खड़ा ट्रैक मतलब चढ़ाई थी वहाँ पर, इसलिए भाई। और बारिश भी हो रही थी, थोड़ी फिसलन भी थी, और जो ठंड लग रही थी ना वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रखी थी। मतलब मेरे तो कान, दोनों कान में इतनी ज़ोर से दर्द हो रहा था वहाँ पे ठंड की वजह से। और हमारा प्लान था कि चंद्रशिला भी जाने का, बट हम इसलिए नहीं गए क्योंकि बारिश हो रही थी और हम लोग को नीचे आने में देर हो जाती। तो वो फिर कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तब करेंगे। और ये देखो टीवी के ऊपर बिरेद भाई ने अपनी पैंट सूखने डाल दी है, और अभी 1-2 कपड़े और हैं सुखाने के लिए। और यहाँ पर हमारे रेनकोट, अगर हमने यार रेनकोट नहीं लिए होते तो भाई हालत ख़राब हो जाती। 15 किलोमीटर हम लोग गलत चले गए थे, 10-15 किलोमीटर, बट वो 10-15 किलोमीटर रेनकोट ने हमारे वसूल करवा दिए। तो इस समय अगर आप तुंगनाथ जा रहे हो तो भाई रेनकोट वगैरह लेके जाओ और गर्म कपड़े लेके जाओ। बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रही है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा एकदम। मतलब मंदिर में अंदर जाने के लिए जैसे ही सूस निकाले थे, पैर फ्लोर पर रखते ही बिल्कुल शून्य पड़ गए थे एकदम, जैसे बर्फ़ की सिल्ली पे पैर रख दो, इस प्रकार की ठंड हो रही है अभी वहाँ पर। तो बाकी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बाय।